हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्वादिष्ट और जल्दी बनने वाली आमचूर की चटनी और धनिया पुदीना की चटनी, जो खाने में स्वादिष्ट लगती है। देखिए, हमने टिक्की की रेसिपी शेयर की थी तो उसमें काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि हम इन दो चटनियों की रेसिपी भी शेयर करें, तो आज हम वही आपको बताने जा रहे हैं कि आप इसे घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और ना सिर्फ आप इसे टिक्की के साथ, बल्कि आप इसे किसी भी स्नैक्स, चाट पकौड़ी किसी भी के साथ इसे खा सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट क्योंकि ये खाने में लगती है। तो पूरा ज़रूर देखिए, घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन पर, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे आमचूर की चटनी। तो उसके लिए हम बर्तन में 1 टेबल स्पून आमचूर लेंगे, 1/4 टीस्पून इसमें हम काली मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/4 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर, नमक डालेंगे थोड़ा सा काला नमक डालेंगे, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 50 ग्राम गुड़ डालेंगे। गुड़ को हमने तोड़ लिया है, तो देखिए हमने 50 ग्राम गुड़ लिया है। आप चटनी जिस हिसाब से मीठी खाना चाहते हो उस हिसाब से गुड़ डाल सकते हो इसमें, और गुड़ की जगह पर चीनी भी ले सकते हो। और देखिए, अगर आप चाहे तो ये चटनी इमली से भी बना सकते हैं, अगर अमचूर नहीं डालना चाहते तो। लेकिन फिर उसमें आपको इमली को भिगोना पड़ेगा और उसका जो पल्प होता है उसका यूज़ करना पड़ेगा और उसे छान लेना पड़ेगा। तो चाहे तो उस तरीके से बना सकते हैं, नहीं तो आमचूर से बहुत ही आसानी से जल्दी बन जाती है चटनी और टेस्टी भी लगती है। 1/2 ग्लास इसमें हम पानी ऐड करेंगे। सभी चीज़ों को हमें पहले मिक्स कर लेना है अच्छे से। तो ये चटनी को अब हम गैस पर पकाने के लिए रखेंगे। तो बर्तन को हमने गैस पर रख दिया है, गैस के फ्लेम को हमें मीडियम पे रखेंगे इसमें उबाल आने के लिए। तो देखिए, चटनी में हमारा उबाल आ चुका है। गैस के फ्लेम को अब हम लो मीडियम पे कर देंगे और लो मीडियम पर हमें इसे पकाना है। तो देखिए, ये हमारी जो चटनी है वो गाढ़ी हो चुकी है। ये ठंडा होने के बाद और गाढ़ी हो जाएगी, तो इसे हमें इसी कंसिस्टेंसी में रखना है, इसे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है इसे। अब इसमें हम थोड़ा सा मगज डालेंगे, यानी खरबूजे के बीज डालेंगे। देखिए, वैसे अगर आपके पास ये खरबूजे के बीज नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन अगर ये मुंह में आते हैं खाने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। तो ये चटनी हमारी बनके रेडी हो चुकी है। गैस हम ऑफ कर देंगे और इसे एक सर्विंग बोल में निकाल लेंगे। अब हम धनिया पुदीना की चटनी बनाएंगे। तो उसके लिए ये हमने 1/2 कप फ्रेश पुदीना लिया है और 1 कप फ्रेश धनिया ली है। धनिया की जो डंडी होती है उसको हमने कट नहीं किया है, सिर्फ धनिया के जो मोटी ऊपर डंडी होती है उसे ही हटाए, बाकी जो पतली वाली डंडी होती है उसे निकाले ना, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है क्योंकि चटनी में। अब हमने मिक्सर जार लिया है, इसमें हम इनको डालेंगे। और देखिए, दोनों चीज़ों को हमने साफ पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। इसमें मिट्टी होती है इसलिए अच्छे से पानी से धोना बहुत ही ज़रूरी है। 4 हरी मिर्च डालेंगे, 3 लहसुन की कली, ये बड़ी साइज़ की हमने लहसुन की कली ली है, अगर छोटी हो तो थोड़ी ज़्यादा डाल दें। थोड़ा सा अदरक लिया है जिसे कट कर लिया है। 1/4 चम्मच जीरा डालेंगे इसमें, 1/4 टीस्पून काला नमक, बिल्कुल थोड़ा सा वाइट नमक, नमक ध्यान से डालें, 1 नींबू का जूस। अब इसमें हम 2 चम्मच ठंडा पानी डालेंगे। देखिए, पानी हमें ठंडा ही डालना है जिससे कि चटनी का जो कलर है वो चेंज ना हो। अगर पानी की जगह पे आप बर्फ भी डाल सकते हैं। तो इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए, चटनी हमारी ग्राइंड हो चुकी है। तो देख सकते हैं आप, इसका कलर एकदम ग्रीन आया है और हमने इसमें ठंडा पानी यूज़ किया है, तो इससे इसका कलर चेंज भी नहीं होगा। तो ये चटनी हमने थोड़ी गाढ़ी बनाई है, आप चाहे तो पतली भी कर सकते हैं अगर पतला खाना पसंद करते हो तो। तो इसे भी हम एक सर्विंग बोल में निकाल लेंगे। तो ये हमारी दोनों चटनियाँ बनकर रेडी हो चुकी है। बहुत ही स्वादिष्ट दोनों लगती है। इसे हमने टिक्की में डाला था। आप लोगों के काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि हम इसकी चटनी की रेसिपी आपको शेयर करें, तो ये चटनी की रेसिपी हमने आपके साथ शेयर की है। आप इसे टिक्की के अलावा किसी भी स्नैक्स के साथ या किसी भी चाट के साथ खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है क्योंकि खाने में। तो देखिए, दोनों चटनी को आप स्टोर करके रख सकते हैं, ख़राब नहीं होती है, खासकर जो ये हमारे पुदीना और धनिया की चटनी है। आप इसे फ्रीज़र में जमा दीजिए, चाहे तो
जो बर्फ की ट्रे होती है उसमें आप इसे जमा सकते हैं और किसी भी एयर टाइट बैग में इसे अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं। और चाहे तो जो डिब्बी आती है प्लास्टिक की छोटी साइज़ की, उसमें आप इसे डाल के फ्रीज़र में जमा लीजिए, उसके बाद फ्रिज में रख दीजिए, तो 6 महीने तक ये चटनी आपकी ख़राब नहीं होगी। और जो दूसरी हमारी चटनी है अमचूर की, ये भी लंबे समय तक चलती है, फ्रिज में आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो आप भी इस टेस्टी चटनी की रेसिपी को घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ही हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ही हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमीदार किचन को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट भी हम भेज सकते हैं। अब हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।